पिछले 72 घंटे से रुक रुक कर हो रही बारिश से शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। लगातार बारिश से 72 घंटों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं विद्युत आपूर्ति भी बदहाल हो गई है। बारिश से महानगर के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों में जलभराव से परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं कई कॉलोनियों में भी बारिश का पानी लग रहा है। ऐसी स्थिति में बांधों पर लगे पंपिंग स्टेशनों का निरीक्षण करने पहुंचे जल निगम विभाग के GM AK सिंह ने शनिवार को पंपिंग स्टेशनों का निरीक्षण किया। इस दौरान लगातार हो रही रिमझिम बारिश के कारण जलभराव होने से निचले इलाकों में नगर निगम ने पंपिंग सेट लगाकर पानी निकालने का काम शुरू करा दिया है, जिससे बारिश का पानी सड़कों पर ज़्यादा नहीं लग पाया। पहले से ही जिन मोहल्लों में पानी लगा था वहां पर दिक्कत ज़रूर बढ़ गई है। वहीं नगर निगम के बाढ़ सेंटर के चारों पंपिंग स्टेशनों पर भी सारी व्यवस्थाएँ दुरुस्त हैं। शहर का पानी अभी भी पंपिंग स्टेशन के पास बने पुलिये से ही शहर से बाहर जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ संवाददाता से बात करते हुए जल निगम विभाग के GM AK सिंह ने कहा, नहीं अभी अभी नहीं उसके नाम में आई नहीं है, क्योंकि सबसे पहले यही वाला किसी का ये रेगुलेटर बंद होता है जी। और तबियत तो बनना तो है यार, नहीं तो अभी उसको मना किया कि व्यक्ति वाला चलाएंगे। अच्छा तो चलाएंगे तो डीजल वाला चलाएंगे। हाँ ठीक है, जब तक रेगुलेटर सिंचाई विभाग नहीं बंद करता है तब तक हम नहीं चाहिए। नगर निगम की तरफ से जलकल विभाग के पास चार मुख्य पंपिंग स्टेशन हैं, बाढ़ पंपिंग स्टेशन डोमिनगढ़, इलाहीबाग, मिर्जापुर और लाल डिग्गी। इसमें मुख्यतः सबसे पहले तो जब पानी पीछे बाढ़ का भर जाता है तो सबसे पहले इलाहीबाग चलता है, उसके बाद से फिर डोमिनगढ़ चलता है और फिर जब बहुत ज़रूरत पड़ती है तो मिर्जापुर और लाल डिग्गी चलाना पड़ता है। इस समय हमारे सभी पंप हाउस बिल्कुल रेडी टू मूव की स्थिति में हैं कि जब भी आवश्यकता पड़ेगी हम पंप चला करके और पीछे के जल भराव को ख़त्म कर देंगे। क्या अभी तक किसी पंपिंग स्टेशन को चलाने की जरूरत पड़ी? आई है, डोमिनगढ़ का पंपिंग स्टेशन अभी रिसेंटली कल ही चला है शाम को, और क्योंकि पिछले 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है। वैसे भी 2 महीने पहले भी जब बारिश हुई थी तो भी पीछे जफर कॉलोनी में पानी भर जाने की वजह से इसको चलाने की नौबत आई थी।